Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So, we as we already started this chapter, that is chapter 14, electric current and its effect, class 7th NCRT. Right? We already covered about electric uh, circuit, okay, all the symbols that we used, okay, to uh, make our circuit diagram. And we also formed, I also taught you that how you can uh, form your own circuit diagram in your notebooks right now we're going to cover further topics so before starting new topic one small little topic that i want you to know that is how cells are joined to make a battery okay as you already know the symbol of a battery or a cell what i told you see big vertical line is positive terminal okay and a small one small vertical line is negative terminal right as i already told you this this is a cell okay this is a cell okay because there is single positive terminal and single negative terminal so it is singular a cell okay but if i draw big vertical line okay then small again a big vertical line and then small then it is a battery this is positive terminal the longer line is always a positive terminal and shorter line is always what negative terminal okay so this is a battery okay so as you already see and if you observe it we have to connect the positive terminal with negative terminal right and then again positive terminal of another cell with the negative terminal of the other cell ओके, okay, सो so, हमें कैसे कनेक्ट करना है सेल्स को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव नेगेटिव तो कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे ओके okay? एक दूसरे की तर, एक दूसरे से दूर भागेंगे रिपेल का मतलब क्या होता है एक से दूर भागना, ओके? Okay? ओके? जो जो हैं, okay? तो ये आपको बहुत ही चीज़ है है। याद रखनी है। जैसे आपने अपने सेल्स में भी ऑब्जर्व करा होगा जो सेल होल्डर्स होते हैं जो हमारे एसी के रिमोट के जो पीछे बैक में सेल होता है वहां पे आपने देखा होगा ऐसे एक प्रॉपर एरिया होता है ओके okay? अगर इस साइड पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और नेगेटिव के जस्ट अपोजिट क्या होगा

नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक ओके इलेक्ट्रिसिटी हमें हेल्प कर रही है लाइट लाइट मिल रही है हमें ओके okay? उससे हम देख पा रहे हैं राइट इलेक्ट्रिसिटी का अदर इफ इफेक्ट और इम्पॉर्टेंस क्या है दैट इज़ हीटिंग ओके हीटिंग भी होती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जिस जो हमारे डिवाइस हैं बहुत सारे जो हीटिंग से वर्क करते हैं आप किसी का भी नाम लो जैसे गीज़र गीजर के अंदर पानी गर्म होता है राइट right? हमारा पानी ठंडा जाता है एंड गर्म होके निकलता है कैसे इलेक्ट्रिसिटी हीट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी किसमें कन्वर्ट हो रही है हीट में कन्वर्ट हो रही है ओके इन द सेम वे अवन माइक्रोवेव इन सब में कैस कौन से इफेक्ट का हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओके सो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं राइट right? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है वेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू डिवाइज इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ओके okay? इस इफेक्ट इस को हम क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिसिटी हमने फॉर्म करी और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी uh, किस में कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई राइट नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास गीजर्स हीटर इलेक्ट्रिक आयरन अवन माइक्रोवेव राइट ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल किसके हैं

अपनी लाइट हीट को किसमें कन्वर्ट कर देता है लाइट में कन्वर्ट कर देता है वो इतना गर्म हो जाता है टंगस्टन वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और उसके ग्लो करने से हमें क्या मिलती है लाइट मिलती है एंड वी कैन सी इन स्पेशली ड्यूरिंग नाइट ओके नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक बल्ब रिलीज हीट एनर्जी वेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स सो हीटेड दैट इट स्टार्ट ग्लोइंग ओके नेक्स्ट थिंग देखो निक्रोम इज द बेस्ट मटेरियल टू रिलीज हाई अमाउंट ऑफ हीट जो जो निक्रोम वायर्स है ओके okay? निक्रोम वायर यूज करते हैं हम गीजर में इसकी कॉयलिंग होती है ओके ऑन रॉड्स ओके हीटर्स में भी इलेक्ट्रिक आयरन में भी अवन में भी माइक्रोवेव में भी आप अपने अवन या माइक्रोवेव के अंदर चेकआउट करना आपको कॉयलिंग्स दिखेंगी ओके okay? एक बड़ी सी ट्यूब होगी उसके ऊपर कॉयल होगा कॉयल किस चीज का होगा निक्रोम का निक्रोम हीट होता है ओके एंड देन क्या रिलीज करता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक uh, करंट को वो किस में कन्वर्ट करता है हीट में और फिर उस हीट में हमारा खाना कुक हो जाता है हमें अपना रूम गर्म करना है तो हमारा रूम गर्म हो जाता है हमारी एयर सराउंडिंग की गर्म हो जाती है उस हीट से राइट right? सो so, इस तरीके से ये वर्क करता है राइट एवरी वन नेक्स्ट देखो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज जो अमाउंट ऑफ हीट एक पर्टिकुलर डिवाइस में से निकल रही है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करेगी राइट right? कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है अगर आप कॉपर का मटेरियल लोगे तो हीट कम रिलीज होगी एल्युमिनियम का लोगे तो डिफरेंट हीट रिलीज होगी निक्रोम का लोगे तो सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी टंगस्टन का लोगे तो सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी राइट नेक्स्ट देखो लेंथ ऑफ वायर वायर की लेंथ पे भी डिपेंड करेगा ऑब्वियस सी बात है अगर आप छोटे छोटे लेंथ की वायर लोगे तो कम हीट रिलीज होगी अगर आप उसी उसी रॉड के ऊपर वायर को ऐसे कॉल कर दोगे निक्रोम की तो व, व, जो निक्रोम की लेंथ है वो बढ़ गई तो ज्यादा हीट रिलीज होगी राइट नेक्स्ट देखो थिकनेस वायर की थिकनेस जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी पतला होगा तो कम हीट रिलीज होगी राइट right, एवरीवन तो इन तीनों चीजों पे क्या डिपेंड कर रहे हैं हमारी कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए राइट एवरी वन तो ये हमने किसके बारे में देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा अब इसका यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में अभी मैंने आपको एक यूज बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे गीजर्स हैं हीटर्स हैं इलेक्ट्रिक आयरन है अवन है माइक्रोवेव है, है, है ये सब जो डिवाइस हैं हमारे ये इसी इफेक्ट पे वर्क कर रहे हैं राइट फर्स्ट इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है टंगस्टन की बल्ब बनाने में टू प्रोड्यूस लाइट क्योंकि टंगस्टन इतना ज्यादा हीटअप हो गया कि इट स्टार्ट ग्लोइंग टेंस okay? so, हो गई अदर इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाना आपने देखा होगा बड़ी बड़े डिवाइस में छोटा सा एक फ्यूज होता है आप मेरे सामने पिक्चर देखो आपको नीचे पर पर की दिखेगी वो फ्यूज आपने देखा होगा उस फ्यूज को हम क्या करते हैं हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं ओके okay? जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जैसे हमने सपोज करो ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया ये बैटरी है राइट right? यहाँ पर बल्ब है ओके okay? यहाँ पर स्विच है और यहां पर मैंने क्या लगा दिया एक फ्यूज लगा दिया ओके okay? क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा इस बल्ब से इतनी एक इस सेल से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगी कि हमारा बल्ब क्या हो सकता है ब्रेक हो सकता है तो बल्ब के ब्रेक होने से पहले ही फ्यूज ने क्या करा फ्यूज के अंदर का वायर ब्रेक हो गया फ्यूज के अंदर का वायर ब्रेक हो गया सर्किट क्या हो गया ओपन हो गया स्विच क्या हो गया ऑफ हो गया तो अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी मींस क्या है बल्ब ब्रेक नहीं होगा तो हमने एक्चुअली में अपने डिवाइस को क्या कर लिया सेव कर लिया फ्रॉम ओके फ्रॉम फ्रॉम आर लॉस एक्चुअली हमें लॉस होगा हमारा बल्ब खराब होगा हमें नया बल्ब खरीदना पड़ेगा राइट right? तो हमने अपने बल्ब को सेव कर लिया विद हेल्प ऑफ दिस फ्यूज ओके नाउ हम यहाँ पे नया फ्यूज लगा देंगे एंड हमारा सर्किट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा ओके okay? तो ये सारे हमने क्या देखे यूज देखे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट के इन आर डेली लाइफ ओके एवरी वन सो एज वी कवर ऑल दिस टॉपिक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब टू साइंस ट्यूब इफ यू लस्ट फॉर नॉलेज एंड क्रे फॉर साइंस एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी एन इंस्टाग्राम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग